Okay, recently one of my friends went through a breakup. And he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई. इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है. बट वॉट दे डू इज दे नेवर टेल यू डायरेक्टली दैट दे हैव ब्रोकन अप. व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू स्लिप इट इन कॉन्वर्सेशंस. लेकिन हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब. आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए. मतलब उनका फोन किया, मैं कहाँ है, कह रहा हॉस्टल में. मैं कहा अकेला है, बहुत. मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले, दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया. डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन लिखी. सर मेरी कंप्लेन लिखना क्या हुआ, उसने मुझे काला बोल दिया. पुलिस वाले गुस्सा आ जाएगा. सर देख भाई, उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है. भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहां से. अबे अंधेरा हो रहा है, दिखे बने, कोई गाड़ी मार जाएगी, निकल जाए. स्टार्स का ये सच है कि वाकई बहुत क्रेज होता है. अगर फिल्म स्टार उनको एयरपोर्ट पे मिल गया या किसी फंक्शन में मिल गया तो उनको लगता है जल्दी से मिल लो, चिपट लो, फोटो खिंचा लो, नहीं तो निकल जाएगा. फिर वो भले ही उस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी की मैयत में कंधा देने आया हो. अभी एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, वहां मैंने देखा सलमान खान कंधा लगाए हुए थे, पीछे से झोपड़पट्टी से लोग पीछे से चिल्ला के कमेंट्स. उनको तो एक ही मतलब है, हीरो से मिलना और देखना. ये कंधा लगाए पीछे से आए, ए सलमान, ऐश्वर्या किधर है? ए संजय दत्त, बॉडी दिखा बॉडी. ए संजय, संजू. किशोर कुमार साहब गुजरे थे तो पीछे बालकनी के पीछे जो पब्लिक घुस नहीं पा रही थी वो क्या बातें कर रहे थे दीवार के पीछे लड़के लोग. देख देख देख, बॉडी काला पड़ गया, बुरा बॉडी एकदम काला. अभी एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती गुजरी सांताक्रूज में, शमशान ग्रह है वो फिल्म स्टार पॉलिटिशियन वहां. तो वहां मैंने देखा लोगों की बातें, उनको एक ही क्रेज फिल्म स्टार से मिलने का. एक करेक्टर आया मेरे, बोलता है क्यों भाई, क्यों भाई, कोई गया क्या भाई, भाई कोई गया, कौन गया भाई? महेश खन्ना गुजरे, महेश खन्ना, महेश खन्ना गया कभी कभी कभी, कल गुजरे कल, शी, अरे यार कल ही मेरे मेहमान लोग वापस गए.